दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैपिंग। याद रखें मैपिंग का ये दूसरा पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग कवर कर रहे हैं एशिया के जितने भी कंट्रीज थे, ठीक है, कंट्री और उनकी राजधानियां। दोस्तों आप कहोगे कि मैं आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूं, कई लोगों को लगेगा कि सर कोई जरूरत नहीं इन सारी चीजों की, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जरूरी है। अभी आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा खनिज संसाधन के बारे में कि कोयला सबसे ज्यादा कहां मिलता है, पेट्रोलियम कहां है, सोना कहां पर है, ठीक है, इस तरह के जब मैं चीजों को बताऊंगा खनिजों के बारे में, तो आप कैसे याद करोगे कि कौन सा देश कहां पर है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप बताओ मैपिंग में कैसे बता पाओगे कि कौन से खनिज कहां कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको मान लीजिए उष्णकटिबंधीय पेटियों के बारे में बताया तो आपके दिमाग में थोड़ी भी बातें नहीं आएंगी, मैं आप पेटी तो समझ जाओगे लेकिन ये पेटियां किस देशों तक विस्तृत हैं आप ये कैसे जान पाओगे। उसके लिए जरूरी है ना आपको लोकेशन पता हो, जरूरी है कि नहीं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, अगर जैसे काली मिट्टी की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक मैप आना चाहिए, अच्छा काली मिट्टी इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और जल धारण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, काली मिट्टी कहां पर है, ये कर्नाटक महाराष्ट्र वाले बेल्ट में पाई जाती है। तो जिसके दिमाग में कर्नाटक महाराष्ट्र का इमेज ही नहीं है या भारत के लोकेशन पर किस लोकेशन पर यह जगह स्थित है उसको यही नहीं पता है, वो बताइए काली मिट्टी के क्षेत्र को कैसे याद कर पाएगा, कभी याद कर पाएगा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके फायदे के लिए आपको दी जा रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने लगभग जितना भी साउथ ईस्ट एरिया था, ठीक है, और साउथ वाले में मतलब एशिया का निचला हिस्सा जो है, एकदम नीचे वाला पार्ट दक्षिणी एशिया जो है, उसमें सभी चीजों को हम लोग कवर कर लिए थे जितने भी देश थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, रूस से कहानी को आगे बढ़ाएंगे, रूस और चाइना से लेकर के आगे बढ़ेंगे कि और एशिया के कौन कौन से देश हैं जिनके बारे में आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं कहानी लेना चाहूंगा रूस की। रूस को रसिया कहा जाता है और रूस की राजधानी कहां पर आप सभी को पता है, मास्को। रूस की राजधानी कहां पर है, मास्को इसकी राजधानी है। तो एक बार लोकेशन देखिएगा, मास्को जो इसका लोकेशन है ना, ये पश्चिमी साइड में है, देखिए इतना दूर तक रूस फैला हुआ है। इधर देखिए बेरिंग जल संधि पड़ जाती है, ये आपका अलास्का है, ये क्या है, ये अलास्का है, ठीक है, ये अलास्का है। यहाँ पर ओस्कोटस सागर है, ये सब याद रखेगा, यहाँ पर बे ऑफ अलास्का है, अलास्का की खाड़ी है। नीचे आपको ये जापान दिख रहा होगा, ये आपको जापान दिख रहा होगा, राजधानी टोक्यो मैं कल ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जापान से आगे देखेंगे तो यहाँ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया नजर आ जाएगा, उसको भी बता चुका हूं। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग याद है ना, उत्तरी कोरिया याद रखेगा, और दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल मैंने आपको बताया, ठीक है, याद है ना आपको। चलिए अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपका रूस है यहां से यहां तक, और इसके पश्चिमी वाले हिस्से में मास्को इसकी राजधानी है। दोस्तों ये जो रूस है ना, इसकी सीमा जाकर के यूरोप को छूती है और इसीलिए यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया कहा जाता है। दोस्तों ये वही जगह है जहां पर स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है, मैंने कहा था ना स्टेपी, स्टेप यानी टेप से दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो स्टेपी घास के मैदान का लोकेशन है। अब तो आपको देश भी याद करने जा रहे हैं आप, ठीक है, तो आप जरा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। ये रहा रसिया। दोस्तों रसिया के एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर रसिया को मैं टच करूं इसके पश्चिमी साइड में जो यूरोप के देश हैं उनके साथ, तो याद रखिए सबसे ऊपर पड़ेगा फिनलैंड, जिसको हजार झीलों की भूमि का देश कहा जाता है, याद है ना फिनलैंड। फिनलैंड के ठीक नीचे दोस्तों ये फिनलैंड की खाड़ी दिख रही है, आप सभी को पता होगा, है कि नहीं। फिनलैंड के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नॉर्वे और स्वीडन देश है, कौन कौन सा, नॉर्वे और स्वीडन है, याद रखिएगा। नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों तो एस्थोनिया, लाटविया, लाटविया सीमा नहीं टच करती है, याद रखिए लाटविया पीछे है थोड़ा सा, लिथुआनिया सीमा को टच करती है, एस्थोनिया टच करती है, फिनलैंड टच करता है, बेलारूस टच करता है, नीचे से यूक्रेन टच करता है, इधर से कजाकिस्तान टच करता है, इधर से मंगोलिया टच करता है और इधर से चाइना टच करता है। तो ये इतने देश हैं जो रूस की सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो इसके आस पड़ोस के सभी देशों को याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे जब हम लोग कवर करेंगे इसको अगर नहीं भी याद रखेंगे यूक्रेन तक तो चलेगा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे तो वहां मैं डिटेल से आपको इनके बारे में बताऊंगा। आज तो हम लोग एशिया को कवर करने वाले हैं, तो अभी हम लोग कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, रूस, रूस की राजधानी कहां पर है, मास्को, और मास्को याद रखिएगा बेलारूस वाले साइड में, बेलारूस, रूस से बेलारूस,
बेलारूस याद रहेगा ना, रूस के बगल में बेलारूस, तो बेलारूस के बगल में ही पड़ता है एक शहर मास्को, याद रखेगा, जो कि रूस की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो मैप आप देख रहे हो ये चीन का मैप है। ठीक है, इसमें बेसिकली चीन को दिखाया गया और उसके आस पड़ोस के राज्यों को दिखाया गया है। तो चीन, चीन की राजधानी कहां पर है? बीजिंग। कल ही मैंने आपको बता दिया था चीन की राजधानी बीजिंग। दोस्तों आज मैं आपको ना पिछला रिवाइज भी कराता जाऊंगा, आपसे पूछता जाऊंगा, आपको फटाफट उत्तर देना है। ठीक है, देखिए चीन के कंट्रोल में तीन ऐसे देश हैं छोटे छोटे जिस पर पूरा नियंत्रण चीन का हो। देश कौन कौन से बताइए? हांगकांग है, मकाऊ है और तिब्बत है ना। हांगकांग, मकाऊ, तिब्बत। याद, तिब्बत की पुरानी राजधानी क्या हुआ करती थी? ल्हासा हुआ करती थी। इतने डिटेल में जाके पढ़िए ना, जैसे पूछूंगा तुरंत उत्तर दीजिए, जैसे पूछूंगा तुरंत बताइए। चलिए बताइए दक्षिणी कोरिया की राजधानी कहां है? सियोल। एकदम कोई नाम लिया नहीं का आपको उत्तर आ जाना चाहिए, सियोल। ठीक है, चलिए ऐसे बीच बीच में पूछता रहूंगा आपसे। देखिए ये आपका रूस दिख रहा है, रूस, रूस के ठीक नीचे ये आपका रूस दिख रहा है, ये वाला कलर, और इसके नीचे जो येलो कलर में दिख रहा है दोस्तों ये चाइना है। और चाइना की राजधानी कहां पर है? चीन की राजधानी है बीजिंग। कहां पर है? बीजिंग। शंघाई यहां का बहुत बड़ा शहर है, याद रखिएगा, चीन की राजधानी है बीजिंग। और बीजिंग देखिए यहां पर है। ठीक है, बीजिंग यहां पर है दोस्तों। ये वाला देखिए, ये कोरिया है, ये कोरिया है, प्योंगयांग इसकी राजधानी यहां पर है, ये दक्षिणी कोरिया है, सियोल इसकी राजधानी यहां पर है, और देखिए बीजिंग यहां पर, मतलब इसके ठीक सामने है इसकी राजधानी, जो बीजिंग है एकदम ठीक सामने दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना मैप में, ऐसे समझ लेते। अब देखिए ऊपर की तरफ इसको टच किया हुआ, एकदम ऊपर की तरफ देख लेंगे यहां वाले हिस्से से, तो देखिए रूस को छुआ हुआ है, चीन की सीमा रूस को छूता है। ठीक है, और साइड में देखेंगे सेंटर में तो मंगोलिया, यहीं से तो मुगल आए हुए थे, मंगोलिया, मंगोलों का देश है मंगोलिया, याद रखेगा ये मंगोलिया है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलनबटोर है। कहां पर? उलनबटोर है। और एक और देश है, बड़ा देश है कजाकिस्तान, तो यहां पर है कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं, ये कजाकिस्तान है, अस्ताना राजधानी पड़ेगी, कजाकिस्तान और अस्ताना यहां रूस वाले साइड में यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तो हम इधर से चल रहे हैं। और किस किस देश की सीमा जो है चीन की सीमा को छूती है, तो जरा टिक करिएगा, एक नंबर पे रूस हो गया, दो नंबर पे यहां कोरिया हो गया, ठीक है, तीन नंबर पे मान लीजिए मंगोलिया हो गया, ठीक है, चार नंबर पे आपका कजाकिस्तान हो गया, राजधानी अस्ताना है, अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके नीचे दोस्तों किर्गिस्तान है, ये पांच नंबर पे हो गया, राजधानी बिश्केक है। उसके नीचे तजाकिस्तान यहां दिख रहा होगा, तजाकिस्तान है। ठीक है, और फिर नीचे भारत आ जाएगा। तो याद रखिएगा इतने देशों से घिरा हुआ है चीन। नीचे की तरफ बात करें तो ये देखिए भारत है, राजधानी दिल्ली है, आइए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। और नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। यहाँ पे भूटान है, भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू। यहाँ पे फिर भारत है, भारत की राजधानी क्या? नई दिल्ली। ठीक है, अच्छा दिल्ली किसकी राजधानी थी बताइए? दिल्ली, DILI, दिल्ली। दिल्ली दोस्तों पूर्वी तिमोर की राजधानी थी। कहाँ की? पूर्वी तिमोर की राजधानी थी दिल्ली, याद है कि नहीं है? अरे भूल गए क्या भाई, इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कहां है जल्दी से बताइए? म्यांमार की राजधानी नायपीड़ा। क्या है? लिख दे रहा हूं, नायपीड़ा। ठीक है, नायपीड़ा ये म्यांमार की राजधानी है। ठीक है, नायपीड़ा। और उसके बाद आपकी कौन सी सीमा लगती है? यहां से देखेंगे तो लाओस, ये पतली वाली सीमा देखिए लाओस है। ठीक है, लाओस, लाओस और लानोस दो जगह है। लानोस घास का मैदान है जो वेनेजुएला में है, वेनेजुएला, कोलंबिया और गुयाना में पड़ता है वो घास का मैदान, ये लाओस देश है। लाओस देश की राजधानी कहां है? बियंतियान। कहां पर है? बियंतियान, लिख दे रहा हूं इसको भी, बियंतियान। ठीक है, बियंतियान याद रखिएगा। और लास्ट में दोस्तों ये छोटा सा देश है, इसका नाम है वियतनाम। वियतनाम देश की राजधानी हनोई। कहां पर है? हनोई। तो दोस्तों याद रखिएगा ये वो चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो नीचे के मैंने देश भी आपको रिवाइज करा दिया, यहां से भी रिवीजन करा दिया, बाकी जापान का टोक्यो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो इसको याद करते चलिए। देखिए मैं आपसे बता रहा हूं ना, पढ़ने लिखने का मजा ही कुछ अलग होता है, बस आप पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से पढ़ेंगे ना। मैं तो चाहता हूं यार मेरे चैनल को बहुत ढेर सारे लोग सब्सक्राइब ना करें, वही लोग सब्सक्राइब करें जिनको ईमानदारी से पढ़ना हो, जिनको कुछ सीखना हो, टाइम पास वाले नहीं। और ट्रिक वाले तो भैया बिल्कुल नहीं, ट्रिक वालों के लिए बहुत सारा चैनल यूट्यूब पे चल रहा है, वो वहां जाके ट्रिक देखे, हम तो सीखने आए यार, सीखने का समय है और आप ट्रिक पे लगे हो। यार दिमाग नहीं काम करता आप सभी का कि ट्रिक के लिए ट्रिक को याद भी रखना पड़ेगा ना? तो जब ट्रिक को याद रखना, उससे अच्छा अपने हम चीजों को याद रखें, क्यों है कि नहीं? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने अभी तक खाली दो चीज पढ़ा, क्या? रूस, रूस की राजधानी कहां पर है? मास्को। चीन की राजधानी बीजिंग। केवल इतना आप याद रख लो, क्योंकि बाकी पीछे के वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा, आज के वीडियो में ये दो पढ़ा। तीसरा चीज है दोस्तों यहां पर देखिए मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया, तो मंगोलिया जो है ये रूस और चीन के ठीक बीच में पड़ता है। एक बार लोकेशन दिखा दे रहा हूं, देखिए
ये देखिए ऊपर रसिया है, नीचे आपका चाइना है, इसी से घिरा हुआ मंगोलिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मंगोलिया। तो याद रखेगा दोस्तों मंगोलिया, इसकी राजधानी उलन बटोर, मंगोलिया की राजधानी कहां पर है, उलन बटोर है, इसको याद रखेगा, याद रहेगा आपको, जरूर याद रहेगा, ठीक है, भूलिएगा मत दोस्तों, इंपॉर्टेंट है मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर। एक बार मैं थोड़ा सा और चीजें बताना चाहूंगा, इधर देखिए जापान दिख रहा है, ठीक है, तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान के ऊपर वाली जो खाड़ी टाइप में बना है ना, यहां पर ओस्कुटस सागर है, कौन सा सागर है, ओस्कुटस सागर है, में दोस्तों देखेंगे बेरिंग सागर, ओस्कुटस के ठीक बगल में बेरिंग सागर है, क्योंकि बेरिंग जलसंधि आ जाएगी ना, बेरिंग जलसंधि चुकची सागर और बेरिंग सागर को मिलाता है, क्यों, चुकची सागर और बेरिंग सागर, चुकची के ऊपर कौन सा था, ब्यूफोर्ट सागर, याद है ना, और ब्यूफोर्ट एक साइड था, दूसरी साइड में कौन सा था, क्या था बताइए जल्दी से, पूर्वी साइबेरियन सी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, या उत्तरी साइबेरियन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है, क्योंकि अब हम लोग उधर साइड पढ़ चुके हैं मंगोलिया, तो पढ़ते हैं कजाकिस्तान के बारे में। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, देखिए अगर मैं थोड़ा सा लोकेशन की बात करूं, एकदम हल्का सा इसका सीमा जाके टचिंग करता है किसके साथ, इस कजाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो मंगोलिया और कजाकिस्तान। एक और चीज बता दूंगा, इतना ज्यादा नाम है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने तान है कि आप एकदम तन जाने वाले, परेशान हो जाने वाले हो, तो कैसे याद किया जाए, तो चलिए आता हूं पहले, ठीक है, आता हूं कजाकिस्तान पे। कजाकिस्तान ये सबसे बड़ा है, इन सभी तान में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो याद रखिए कजाकिस्तान दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है, याद रखेंगे। कजाकिस्तान मंगोलिया के सीमा को टच करता है, नीचे चीन के सीमा को टच करता है, ऊपर से रूस के सीमा को टच करता है, और इधर में आपके यूरोपीय देश आ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ बहुत सारे तान है, इनको देखिएगा ध्यान से। देखिए कजाकिस्तान की सबसे पहली बात आती है कि राजधानी क्या है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, ठीक है, इसके मैप में देखिए इधर पड़ेगा अस्ताना, ठीक है, अस्ताना याद रखेगा, अस्ताना, सॉरी अस्ताना करो, अल्माटा, अस्ताना नहीं दोस्तों, अल्माटा, अस्ताना नहीं, देखिए मिस्टेक हो गया गलती से, अल्माटा, वही लग रहा है मुझे कभी कभी गलत निकल रहा है, ठीक है, जब भी कुछ चीजें गलत आती है तो समझ में आ जाता है कहीं मिस्टेक तो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अल्माटा याद रखेगा। कजाकिस्तान की राजधानी कहां पर है, अल्माटा, ठीक है, अल्माटा याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे किर्गिस्तान है। जरा यहां से देखिएगा मैप को, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा मैप को, मैं जूम कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला। एक बार अगर आपने मैप को समझ लिया ना, तो अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। ये रहा कजाकिस्तान, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये लेक बैकाल है, ये बैकाल झील है, नाम सुना है कि नहीं, बैकाल झील का नाम सुना होगा ना, ये लेक बैकाल है दोस्तों, ये कजाकिस्तान में ही है लेक बैकाल, ठीक है। देखिए कजाकिस्तान में इस साइड देखेंगे तो चीन पड़ जाता है, चीन की राजधानी क्या थी, ब्रैकेट में लिख दीजिए बीजिंग, चीन की राजधानी क्या थी, बीजिंग, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा नीचे देखिए कजाकिस्तान, ये भी के था, के से कजाकिस्तान और के से किर्गिस्तान, याद रखिए किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी कहां पर है दोस्तों, बिश्केक है, कहां पर है, बिश्केक है, ठीक है, याद रखिएगा बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक, कैसे याद रखेंगे बताइए, किर्गिस, किर्गिस आपको लगता नहीं, किर्गिस कुछ सांप जैसा शब्द लग रहा है, किर्गिस, ठीक है, तो किर्गिस मान लीजिए एक सार्प है, बिश्केक, ठीक है, जिसके अंदर बिस है, बिश्केक, ठीक है, तो बिश्केक से बिस याद रखेगा, किर्गिस्तान बिश्केक, ठीक है। और यहां पर अल्माटा याद रखेगा, कजाकिस्तान के लिए अल्माटा लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, अल्माटा, अल्माटा राजधानी है कजाकिस्तान की, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, एकदम यहीं पर है, ठीक है, ये यहीं पर है, ठीक है, अल्माटा देखिए इधर साइड पड़ेगा। और देखिए इसके नीचे चले जाएंगे दोस्तों, किर्गिस्तान के नीचे देखेंगे तो तजाकिस्तान है, ठीक है, तजाकिस्तान एकदम पाकिस्तान के ठीक ऊपर पड़ता है, भारत के ऊपर भी देखेंगे तो पाकिस्तान थोड़ी सी सीमा 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखेगा अफगानिस्तान, और उसके ठीक ऊपर पड़ जाता है तजाकिस्तान। यानी अगर भारत के सापेक्ष में लोकेशन देखा जाए तो भारत जम्मू कश्मीर आके टच करता है, जम्मू कश्मीर को टच करता है पाकिस्तान, और ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, याद रहेगा तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान के बाद फिर किर्गिस पहुंच जाते हैं, किर्गिस वही जिसका बिस्केक है, ठीक है, तो किर्गिस बिस्केक, और तब पहुंचते हैं हम कहां पर, कजाकिस्तान। तो यहां पर देखिए ये कजा है, ये तजा है, ठीक है, ये कजा है, तजा है, ठीक है, दुशांबे इसकी राजधानी है तजाकिस्तान की, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। और इस साइड देखिए ये उज्बेकिस्तान है, ये पूरा क्या है, ये उज्बकों का देश है, उज्बेकिस्तान, ऐसे करके याद रखिए उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये आपका उज्बेकिस्तान है, ठीक है।
दोस्तों ताश्कंद का नाम सुना होगा ना, वो यहीं पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए और आगे देख लीजिए, ये है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर तुर्क लोग आ गए। अब तुर्कमेनिस्तान के नीचे ईरान पड़ता है, ठीक है। ऐसे करके आप चीजों को एक बार समझिएगा। देखिए देश हैं, इनका इनको याद करने का कोई आपके पास ट्रिक नहीं बना सकते, कभी बना ही नहीं पाओगे ट्रिक, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम लोकेशन वाइज अपने दिमाग में फीड करें, एक बार दो बार पढ़ोगे अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी, जैसे हमें हो गई, दो तीन बार पढ़ो ना, हो सकता है कुछ गलत आपसे हो एक बार में, दूसरी बार में सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से याद करें, मैंने अभी अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, मैंने पढ़ाया रूस, रूस की राजधानी मास्को, मैंने पढ़ाया मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, उसके बाद हमने पढ़ा कजाकिस्तान, क्या पढ़ा कजाकिस्तान, क्या पढ़ा कजाकिस्तान, और इसकी राजधानी अल्माटा। एक बार गलत बोल दिया हूं ना, अब तो जिंदगी में गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्यों, एक बार जो गलती हो जाती है टीचर से उस पे उसका निगाह हमेशा पड़ता है, ठीक है। तो कजाकिस्तान याद रखेगा, अल्माटा राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अगर एक बार भारत के बारे में पढ़ लें, क्योंकि यहीं से फिर मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, और तब मूव करते हुए वापस आएंगे, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, नेपाल छूट गया था, नेपाल की राजधानी कहां पर है, काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, एकदम सेंटर में है। काठमांडू में दोस्तों पशुपतिनाथ का मंदिर आप सभी को पता होगा, ठीक है, याद रखेगा। तो ये सभी आपको पता ही है, नेपाल। नेपाल के बाद दोस्तों भूटान पढ़िए। देखिए नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटा सा राज्य है हमारे यहाँ का, सिक्किम, सिक्किम राज्य है। सिक्किम की राजधानी कहां पर है, गंगटोक, कहां पर है सिक्किम की राजधानी, कहां पर है गंगटोक है, याद रहेगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इधर देखिए भूटान है, और भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, याद रहेगा आपको ना। तो याद रखें नेपाल और भूटान, और आगे म्यांमार की नायपीडा और लाओस की बियंतियान, और फिर हम लोग आगे बढ़ गए कहां पर, बताइए जल्दी से, बियंतियान के बाद मतलब राजधानी के बाद फिर आगे आ गया वियतनाम देश, वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा का नाम डॉ, कल का याद है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा आप बताइए कि इसके क्या बोलते हैं, लाओस की मुद्रा का नाम क्या है, सकित, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या, याद है ना, ये सब भी याद करते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब नेपाल भूटान हो गया है, तो एक बार पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान, आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, सर्च करेंगे, तो एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगी कि वर्ल्ड मैप में भारतीय हिस्सों को पाकिस्तान के हिस्सों में दिखाया गया है। कई बार आप ज्यादातर मानचित्र जो मैप है, अगर आप गूगल सर्च करें तो पाकिस्तान का गलत मैप मिलता है। क्यों, क्योंकि भारत के अधिकार क्षेत्र में जो जगह है वो पाकिस्तान के मैप में शो करना गलत है, सबसे बड़ी गलती है। तो कल मैंने इस चीज को रियलाइज किया, बहुत सारे लोगों ने YouTube पर पढ़ाया मैपिंग के बारे में, लेकिन उन्होंने गलत मैप का इस्तेमाल किया। याद रखिए पाकिस्तान का सही मैप ये है। दोस्तों अगर मैं आपको याद दिलाऊं भारत के बारे में, तो याद करो भारत का जो जम्मू कश्मीर है, याद करिए, ये कुछ आपको याद आ रहा होगा, ये भारत का मुकुट है कि नहीं, और ये लोगों ने क्या किया है, ध्यान न दे करके ये ऐसे है, ठीक है, आपको याद आ रहा है, ये यहाँ पर अब हम राजस्थान पहुँच रहे हैं, और ये इस तरह से करते हुए ये अब इस तरह गुजरात आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपको मुकुट याद आ रहा होगा, ठीक है। अरे ऐसे देखो ना, अभी समझ में आ जाएगा, कलरफुल कर दूंगा थोड़ा सा, तो ठीक है, अब आ गया समझ में, बताइए अब समझ में आ गया, ये भारत दिख रहा है यहाँ पर, तो एक साइड हो गया भारत, और इधर वाले साइड में पाकिस्तान है। तो याद रखिए यहाँ पर तीन चार प्रांत हैं अलग अलग, जैसे सिंध यहाँ पर है, बलूचिस्तान दोस्तों ये पाकिस्तान दूसरों के राज्यों को हड़पना चाहता है, याद रखिए, जो अपने ही राज्य को बचा नहीं पा रहा है। तो बलूचिस्तान के साथ इसकी बड़ी लड़ाई चल रही है, आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित होने वाला, जी हाँ बता रहा हूँ आपको, बलूचिस्तान यहाँ पर याद रखिएगा, पंजाब वाला पोर्शन यहाँ पर है, और ये आपका पेशावर यहाँ पर बड़ा जगह पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पख्तूनिया जो होते हैं वो यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके जम्मू कश्मीर वाले साइड में पख्तूनिया, तो इसको याद रखिएगा, ये इस तरह से चाल बेल्ट है, इसको याद रखिएगा पाकिस्तान। और राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद, आप सभी को पता ही होगा इस्लामाबाद, एक बार देख लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पर इस्लामाबाद है, ठीक है, याद रखिएगा, बगल में रावलपिंडी भी इस्लामाबाद, ठीक है, एकदम जम्मू कश्मीर के एकदम सटा हुआ इस्लामाबाद, ठीक है, तो याद रखिएगा इस्लामाबाद। अब इसके बाद आता अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी कहां पर है, काबुल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं, ठीक है, आते हैं अफगानिस्तान के मैप को देख लीजिए, अफगानिस्तान की राजधानी कहां पर है, काबुल है, ये आपका भारत था, भारत राजधानी दिल्ली है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी कहां पर है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी है क्या, जल्दी से बताइए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है। अब अगर आपने अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लिया हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पढ़ाता हूं किसके बारे में, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक बार ईरान इराक बढ़ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको ऊपर पढ़ाता हूं, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल, और जैसे आएंगे तो तान तान से तान ही लेके चलेगा, ईरान। अब देखिए ईरान
ईरान इराक के मैप को लोग गलत कर देते हैं। कैसे? वो सोचते हैं अफगानिस्तान के बगल में पहले इराक है। नहीं, इराक नहीं है, पहले ईरान है। अरे यहीं पे तो हमारे भारत के सहयोग से चाबहार पोर्ट बनाया गया है, याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखेगा ये इराक के पास, ईरान के पास में है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नौ से नौ याद रखेगा तो यहां पे ना आएगा। ईरान की राजधानी कहां पर है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान, याद रहेगा। ईरान की राजधानी तेहरान, याद रखेगा। देखिए मैप में देख लीजिए, ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, अब ईरान से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे इराक, इराक। ठीक है, इराक दोस्तों, इराक। इराक की राजधानी कहां है? बगदाद है। इराक की राजधानी कहां पर है? बगदाद है। ठीक है, अब इसके अगल बगल बहुत सारे देश बढ़ेंगे, और आगे जाएंगे तो तुर्की पड़ जाएगा, सीरिया तुर्की, याद है ना, तुर्की अलग हो जाएगा। पहले सीरिया पड़ेगा, तुर्की पड़ेगा नीचे की साइड में दोस्तों। ये तो यहां से बेल्ट अलग हो गया क्योंकि यहीं पर फारस की खाड़ी है, अदरवाइज ये बेल्ट आगे सड़ जाता, जहां पर यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है, और सऊदी अरबिया है, ओमान, यमन, ये सारे देश है, नीचे वाले बेल्ट पे है। तो अभी हम लोग आगे आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा, एक बार रिवाइज करिए, फटाफट रिवाइज करिए। चलिए, एक बार हमने पढ़ा रूस, रूस की राजधानी मॉस्को, चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, और हमने पढ़ा मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है जल्दी बताइए? उलन बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर। फिर हमने पढ़ा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी? अल्माटा, गलती मत करिएगा मेरी तरह, अल्माटा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसके नीचे आ गए किर्गिस्तान, तो किर्गिस बिस्केक। ठीक है, किर्गिस्तान का क्या हो जाएगा? बिस्केक। उसके नीचे हम लोगों ने देखा, क्या पढ़ा इसके नीचे? तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान आप याद रखिए, और ठीक नीचे क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो इधर का आपको बेल्ट पता है, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, और उसके बाद क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान, नौ से नौ को मिलाएगा, ईरान पहले आएगा, ईरान की राजधानी तेहरान, और उसके बाद इराक, इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है, तो देखिए ये आ गया इराक, और इराक की राजधानी कहां पर है? बगदाद है, इराक की राजधानी बगदाद। इराक की सीमा किनको किनको छूती है दोस्तों, इसको जरा याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपके मन में कंफ्यूजन होने वाला है। क्यों दोस्तों? यहां तक के वो देश हैं जो आपको याद रहता है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो देश जो आपको याद नहीं रहते हैं, आप मैप में अक्सर करके उनका लोकेशन भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप भूल ना पाओ। देखो इधर से आ रहे थे, ये था अफगानिस्तान, ठीक है, ये देखिए नीचे पाकिस्तान भी है, ये वाला जो हिस्सा मिला है पाकिस्तान की पूंछ दिख रही है, ठीक है, पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा मिल रहा है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इस्लामाबाद, देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ईरान की सीमा को कौन कौन देश छूते हैं? तो ईरान, ईरान जिसकी राजधानी कहां पर थी? तेहरान, लिख दीजिए यहां पर तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, याद रखिएगा। तो ये पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये भी ईरान को छूता है, ये अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान राजधानी क्या थी? अफगान, लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, इसकी राजधानी थी काबुल। ठीक है, ये भी इसकी सीमा को छूता है। ठीक है, ऊपर की तरफ अभी देख लेंगे और भी देश, उसमें तजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, ये सब उसकी सीमा को टच करते हैं। ठीक है, ईरान से आगे बढ़े हम लोग, तो ये इराक पड़ गया, और इराक की राजधानी कहां है? इराक की राजधानी क्या है? इराक की बताइए, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद, बताइए जल्दी से, ये सब याद रखा करिए। अरे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? इधर देखिए पहले, ये सीरिया देश पड़ता है, ठीक है, जहां पे आईएसआईएस वाला गैंग है, तो याद रखेगा इराक के बगल में सीरिया, सीरिया के ऊपर देखेंगे तो तुर्की पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा? तुर्की देश पड़ जाएगा। इधर देखिए ये लेबनान, ये सॉरी ये जॉर्डन है, और जॉर्डन के आगे ये वाला कलर जो है ये लेबनान है। ठीक है, तो जॉर्डन और लेबनान, इधर आपका सऊदी अरबिया पड़ गया, ये आपका कुवैत पड़ गया, कुवैत देश की राजधानी कुवैत सिटी ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, और ये आपका फारस की खाड़ी है, ये आपका क्या है? फारस की खाड़ी है, और नीचे बहुत सारे देश हैं, तो अभी मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप खाली इतना याद रखो, ऐसे याद करो, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ठीक है, और इराक के बाद सीरिया, सीरिया के बाद तुर्की, ठीक है, और सीरिया से अगर सीधे चले जाएंगे तो जॉर्डन, ठीक है, क्या आ जाएगा? जॉर्डन, याद रहेगा ना, इतना बात आप याद रखेगा। अगर इतनी चीजें आप ध्यान देते हैं तो मैप में ज्यादातर चीजें आपको याद हो जाएगी। ये आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, यह आपका क्या है? यह आपका लाल सागर है, यहां पर स्वेज नहर है, क्योंकि ये इजिप्ट है, मिस्र है, यहां पर स्वेज नहर है, और ये वाली आपकी फारस की खाड़ी है। देखिए एक साइड इस सऊदी अरेबिया के ऊपर वाले साइड में ये फारस की खाड़ी, और नीचे वाले साइड में लाल सागर है, ठीक है, लाल सागर है, लाल रंग के शैवालों की ज्यादा मात्रा की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? लाल सागर पड़ गया। तो ईरान, इराक, बगदाद हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देश है तजाकिस्तान,
अब देखिए जो चीजें हम लोग छोड़े थे भारत के मुकुट पर ऊपर चलिए, आप जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर में देखा आपने पाकिस्तान पहले बॉर्डर को टच करता है, उसके ऊपर अफगानिस्तान बॉर्डर को टच करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है, डूरंड लाइन है। कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन। तो उसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अफगानिस्तान राजधानी काबुल है और उसके ऊपर देखेंगे दोस्तों अफगानिस्तान के ठीक ऊपर, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये भारत वाला लोकेशन दिख रहा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC, और यहाँ पे देखिए काबुल है। इसके ऊपर देखेंगे तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशांबे। कहाँ पर है? दुशांबे। एक बार जूम करके दिखा देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ये देखिए तजाकिस्तान था, ये आपका दुशांबे, इसकी सीमा जो है ये चीन को छूती है, इसकी सीमा चीन को छूती है। तजाकिस्तान, पहले ताजा, यानी भारत से ऊपर जाएंगे तो पहले ताजा ताजा चीजें मिलेंगी, तो याद रखेगा तजाकिस्तान, ठीक है। तजा यहां था, कजा कहां पर था? कजा वाला मंगोलिया रूस के पास था, ठीक है ना, याद रखेगा वो कजा था, ये तजा है, ठीक है। तो तजा मतलब ताज, याद रखिए ताज कहां पर है? भारत में है। तो भारत से जाने पर पहले आपको क्या मिलेगा? पहले ताज मिलेगा। क्या मिलेगा? ताज। अब तो याद रहेगा ना, तो ताज से तजाकिस्तान, राजधानी दुशांबे, ठीक है। अब तजाकिस्तान, ताज से ताजमहल, ताजमहल क्या है? ताजमहल बंबई जैसा सुंदर है, ऐसे याद रखिए। तो दुशांबे, दुशांबे से बॉम्बे, ठीक है, याद रखेगा। तजाकिस्तान की राजधानी बॉम्बे है, दुशांबे है, ठीक है, याद रखेगा। किर्गिस्तान की बिश्केक, अब नहीं भूलेगा आपको, इसी तरह से याद करिए, और क्या है, कोई तरीका नहीं है। अब देखिए ऊपर देखिए, ये तजाकिस्तान से ठीक ऊपर आएंगे किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक, और इसके ऊपर आ गए तो फिर क्या मिल गया आपका? कजाकिस्तान मिल गया। यानी ताज और काज के बीच में क्या है? ये कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान। यानी काज और ताज के बीच में केवल एक देश है, वो है किर्गिस्तान, ठीक है। और कजाकिस्तान की राजधानी कहां थी? अल्माटा, अल्माटा, ठीक है, याद रखिएगा। बस यही तो सीक्वेंस, और कुछ है ही नहीं यहां पर। अब देखिए यहां पर आपका उज्बेकिस्तान है, क्या है? उज्बेकिस्तान। दोस्तों उज्बेकिस्तान वह जगह है जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई थी, किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौते में गए थे, वो यहीं पे गए थे। देखो यहीं पे ताशकंद है, ये ताशकंद, ताशकंद इसकी राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पर है? ताशकंद है। तो उज्बक याद रखेगा, उज्बकों की वजह से हमारे प्रधानमंत्री मर गए, ठीक है, वो मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए, मर गए कहना उचित नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा उनकी देहांत हो गया उनका, याद रखेगा उज्बेकिस्तान, ठीक है, की राजधानी कहां पर है? ताशकंद, याद रहेगा। फिर से एक बार दिमाग में डालिए, अपने भारत से ऊपर जाने पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मेरे साथ बोलिए भाई, बोलिए ना। अच्छा कुछ लोगों को मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ ना, लोग अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत, तो हम बताएंगे। अरे जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, मेंस लेवल पर भी ये चीजें आपको लाखों रुपए फीस देने के बावजूद भी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? कभी आपको इस तरह से अगर पढ़ाया गया होगा किसी भी क्लासरूम में ना, आप मुझे कॉल करके बताना, मुझे पता है टीचर कैसे पढ़ाते हैं। टीचर बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ाते हैं। टीचर कहेंगे कल हम लोग मैपिंग की क्लास करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, तो आप मैप लेकर आइएगा घर से, ठीक है। मैप और एटलस सबके पास होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं क्या होता है कोचिंग में, सुनिए ध्यान से। मैप और एटलस सबके पास होना चाहिए, जो कल मैप और एटलस लेके आएगा वही इसी को मैं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस तरह से डिजिटल बोर्ड वहां पे अवेलेबल नहीं है, और चीजों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, मजबूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, अगले दिन जो है मैपिंग, और मैपिंग में दो तरह की मैपिंग उनको लाने के लिए कहा जाता है, एक तो एटलस जिसमें कलरफुल मैपिंग में लिखा हो, दूसरा सादा मैप लाने के लिए बात किया जाता है, और कहा जाता है कि जो आप मैप में पढ़ो वो हाईलाइट करते चलो, ठीक है, यानी सादे वाले मैप में हाईलाइट करते चलो। तो मैं भी कह रहा हूं आप भी एक मैपिंग लेके बैठो और मेरे साथ वहां पे लिखो, ब्लैक एंड व्हाइट लेके बैठना, मतलब सादा लेके रखना, उसमें कुछ लिखा ना हो, और आप उसमें लिखो कि कौन कौन से देश की सीमा किसके किसके साथ मिलती है और कहां कहां पर है, तब पढ़ाई होती है। मेहनत करो मेरे भाई, ये जो चीजें दी जा रही है। अच्छा कई लोग है ना ये सोच लेते हैं कि फ्री में आदमी क्या दे सकता है, फ्री में आदमी क्या दे सकता है। अरे फ्री में तुम जी रहे हो, आप जी रहे हो फ्री में, क्यों? अरे फ्री का पानी पी रहे हो, फ्री का जमीन मिली है चलने के लिए, है कि नहीं? फ्री का वे वन देख रहे हो अपने अगल बगल जहां से आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, तो फ्री का क्या नहीं है, बहुत कुछ फ्री में मिलता है। जिस दिन हर चीज का पैसा लगने लगा ना, आप देने भर के नहीं हो जाओगे, आप देने भर के नहीं हो पाओगे, इतना कमा ही नहीं सकते कि आप इन सबको जो है दे पाओ। तो याद रखे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए एक बार देखिएगा, ऊपर से आपको याद कराई दिया हूं, अब इधर देखिए, तो ये हो गया उज्बेकिस्तान। अब देखिए उज्बेकिस्तान जो है ना, एक तरफ ये सटा हुआ जाकर के कजाकिस्तान से, एक तरफ ये सटा हुआ दोस्तों किर्गिस्तान से, एक तरफ ये सटा हुआ तजाकिस्तान से, एक तरफ ये सटा हुआ है इससे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से, ठीक है, और एक तरफ ये सजा हुआ तुर्कमेनिस्तान से। तो दोस्तों एक मतलब हम जान सकते हैं, ये पाकिस्तान वाले को छोड़ करके बाकी जितने तान हैं उन सब को एक देश की सीमा छूता हुआ उज्बेक,
ठीक है, उज्बक, उज्बेकिस्तान की सीमा उन सभी को छूता है। कैसे, यहां पर देखिए ना, उज्बेकिस्तान यहां पर है, टच कर दिया जाके कजाकिस्तान को, इस साइड देखिए किर्गिस्तान को, राजधानी बिश्केक, नीचे की साइड देखिए दुशांबे राजधानी थी तजाकिस्तान को, उसको भी छू लिया, नीचे अफगानिस्तान को छू लिया, राजधानी काबुल है, अब एक ही तो बचता है तुर्कमेनिस्तान, बस पाकिस्तान को मैंने अलग कर दिया था पहले ही, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान राजधानी कहां है, अशगाबाद, कहां पर है, अशगाबाद। तो याद रखिएगा, बस इतना ही चीज तो आपको याद रखना है, तो गलत क्या है, बहुत आराम से याद हो जाएगा, बस आप हमारे साथ मैपिंग से जुड़े रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और छोटा मैप करके अब आगे निकलते हैं, अब बढ़ते हैं किर्गिस्तान की तरफ, ठीक है। किर्गिस्तान सर याद है, किर्गिस्तान बिश्केक राजधानी है, किर्गिस्तान के ऊपर बताओ क्या है, आंख बंद करके बोलो, किर्गिस्तान के ऊपर सर कजाकिस्तान है, राजधानी अल्माटा, ठीक है। चलो बता दो मुझे, किर्गिस्तान के पूरब साइड में कौन सा देश है, पूरब साइड में सर चीन है, राजधानी बीजिंग है, अच्छा। चलो बता दो किर्गिस्तान के दक्षिण में कौन सा देश है, सर तजाकिस्तान है, राजधानी कहां है, तजाकिस से सर ताज, ताज से बॉम्बे, दुशांबे, राजधानी क्या हो गया, दुशांबे हो गया। अच्छा किर्गिस्तान के पश्चिम में कौन सा देश है, किर्गिस्तान के पश्चिम में सर उज्बकों का देश है, उज्बेकिस्तान, राजधानी ताशकंद, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी का देहांत वहीं पे हुआ था, कैसे भूल जाएं उसको। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको बता दिया, यानी अब क्या करेंगे ना, एक बार हर राज्य में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लेके चलेंगे कि चारों तरफ कौन कौन है, एक बार देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो किर्गिस्तान हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बारे में सर आपने बताया, पाकिस्तान को छोड़ करके जितने तान हैं सब जाके जुड़े हैं उज्बेकिस्तान से, कैसे सर, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है, इतने बार रिवीजन कर लिया जाए ना मेरे भाई, इतने बार रिवीजन कर लिया जाए, मजा आ जाना चाहिए, ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, इतना मजा आ जाए। देखिए आइए आपको रिवाइज कराता हूं, ये था उज्बेकिस्तान, राजधानी ताशकंद आपको पता है, ऊपर की तरफ कजाकिस्तान से लगा हुआ है, राजधानी अल्माटा, बार बार लिखिए ना, ऐसे ही तुमको याद होता है। कई बच्चे पूछते हैं सर आपको याद कैसे होता, बादाम खाते हो या क्या खाते हो, ठीक है, किस चक्की का आटा खाते हो, अरे जो आप खाते हो वही हम भी खाते हैं, समझ लो कि आपसे भी कम खाते हैं, क्यों, टाइम ही नहीं देते आप सब खाने का, दिन भर तो इसी में लगा रहता है, तो खाने का समय नहीं मिल पाता, ऐसे याद रखिए। यहां पर सर तजाकिस्तान राजधानी क्या है, दुशांबे, दुशांबे राजधानी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहां पे किर्गिस्तान है, बिश्केक, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक, याद रखेगा ये बिश्केक हो जाएगा, ठीक है। नीचे अफगानिस्तान की सीमा छू रही थी, इसकी राजधानी काबुल है, इसको याद रखेगा, अफगानिस्तान के नीचे पाकिस्तान है, राजधानी इस्लामाबाद है। इधर देखिए ये तुर्कमेनिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान, इसको याद रखेगा, ठीक है। अब राजधानी कहाँ है, अशगाबाद, कहाँ पर है, नहीं आता ना, भूल गए, कोई दिक्कत, अभी पढ़ाया नहीं इसलिए, ठीक है, अशगाबाद, ठीक है, अशगाबाद याद रखेगा, अशगाबाद इसकी राजधानी है, इंपॉर्टेंट है। नीचे देखेंगे दोस्तों तब आपका ईरान आ जाएगा, ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये उज्बेकिस्तान है, क्या दिक्कत है, आप कहते हो सर याद नहीं होता, अरे मेरे भाई जब आप पढ़ोगे मेहनत से तब ना याद होगा। अब पढ़ते हैं अगला तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सर ये तो अशगाबाद वाली राजधानी है, नीचे की तरफ सर जाके ईरान को छुएगा, एक तरफ अफगानिस्तान को छुएगा, एक तरफ उज्बेकिस्तान को छुएगा, इधर सीमा कुछ मिल जाती है कजाकिस्तान से, क्यों, कजाकिस्तान ऊपर से है, बस उसमें छोटा सा छिपा हुआ है, कौन सा, उज्बेकिस्तान छिपा हुआ है, ठीक है, याद रखिए कजाकिस्तान बड़ा वाला, सर वही कजाकिस्तान वही वाला है ना जिसकी राजधानी अल्माटा थी, आप गलत बोल रहे थे, हाँ वही वाला है, हम गलत बोल रहे थे, आप याद कर लिए और हम भी याद कर लिए, ठीक है। और इसकी सीमा सर मंगोलिया वाले से जाके टच करती है, मंगोलिया की राजधानी सर आपने क्या बताया था, बताओ आप जल्दी से, मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलनबटोर, क्या है, उलनबटोर, अच्छा याद हो गया क्या आपको, चलो बताओ जल्दी से, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग, अच्छा चलो उल्टा सीधा पूछता हूं आपसे, बताता हूं, नाइपीडा किसकी राजधानी है, नाइपीडा किसकी राजधानी है, कमेंट करिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, कमेंट में बोलिए ना जल्दी से, नाइपीडा किसकी राजधानी है, जल्दी बोलिए कमेंट में, नाइपीडा किसकी राजधानी है, म्यांमार की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, म्यांमार की राजधानी है नाइपीडा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर तुर्कमेनिस्तान हो गया और अशगाबाद इसकी राजधानी हो गई, आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सीरिया, सीरिया सर वही आईएसआईएस का गढ़ है ना, हाँ वही सीरिया की बात कर रहा हूं, अगर भारत से आगे बढ़ा जाए, देखो एक बार आगे बढ़ते, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, आ गया, पहुंच गए सीरिया, तो सीरिया पहुंच गए, वापस आना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा जो आतंकवादी संगठन जो चलता है, ठीक है, तो याद रखेगा इसकी राजधानी कहाँ है, देखिए देखो क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है, नहीं पढ़ने में आ रहा ना, सीरिया की राजधानी दमिश्क, क्या है, दमिश्क, ठीक है, दमिश्क, ठीक है, तो याद रखिए सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ठीक है, तो याद रखिए अगर यहां पर गए ना तो मिस हो जाओगे, क्या हो जाओगे, मिस, दमिश्क, याद रखिए दमिश्क, का हटा दीजिए, दमिश्क, मिस मतलब
मिस मतलब मिस वर्ल्ड नहीं बन जाओगे, उस लायक तो रहोगे ही नहीं, मिस मतलब मिस हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो जहां सीरिया गए दमिस हो गए, क्या हो गए? दमिस हो गए। दमिस मतलब दमिस्क, याद रहेगा आपको, दमिस मतलब दमिस्क, याद रखिएगा। और चिल्ला के बोलूंगा ठीक है जान, तो बगल वाले आ जाएंगे, पड़ोसी सर क्या हो गया। आगे देखिए, ये हो गया दमिस्क। अब देखिए सीरिया से आगे बढ़ेंगे ना तो फिर मेडिटेरियन सी है, पूरा का पूरा समुद्री एरिया है मेडिटेरियन सी, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों तो ये आपका इजराइल देश है। इजराइल देश तो सुना होगा ना, इजराइल भारत का बहुत अच्छा संबंध है इजराइल के साथ, जेरूसलम इसकी राजधानी है, ठीक है। फिलिस्तीन यहीं पर पड़ता है दोस्तों, बहुत फेमस जगह फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल। और इसके नीचे साइड में देखेंगे ना जॉर्डन है, क्या है? अच्छा देखिए, सीरिया इतना खतरनाक देश है, अभी इजराइल उसकी सीमा को नहीं टच करता, क्यों? इजराइल से पहले लेबनान आ जाता है। इजराइल से पहले क्या आ जाता है? लेबनान आ जाता है। लेबनान मतलब कि आईएसआईएस का पूरा कंट्रोल जो है लेबनान साइड भी और इस साइड भी बना रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, लेबनान हो गया और इधर जॉर्डन है, लेबनान जॉर्डन और इधर साइड इराक है, इनसे घिरा हुआ है सीरिया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, सीरिया गए तो मिस हो जाओगे, मिस मतलब मिस्क हो जाओगे, दमिस्क राजधानी है, ठीक है। आगे देखते हैं तुर्की, तुर्की की राजधानी कहां पर है दोस्तों? अंकारा। तुर्की की राजधानी कहां है? अंकारा, ठीक है, चिंकारा अंकारा। तो याद रखेगा तुर्की की राजधानी अंकारा। दोस्तों तुर्की के बारे में बताऊं, ये देखिए सीरिया था, इराक, इराक की सीमा भी जाकर के छूती है, किसको? याद रखिए तुर्की को भी छूती है और सीरिया को भी। कैसे? इराक देखिए, मैं आपको एक बार यहां पर दिखाता हूं। देखिए ये आपका इराक देश था, ये आपका इराक देश है, ठीक है। इराक, इराक की राजधानी कहां पर? यहीं पर राजधानी है बगदाद है। इराक की राजधानी कहां पर है? बगदाद है, ठीक है। और ये ईरान की सीमा भी आकर टच करती, ईरान की राजधानी कहां पर है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है। अब देखिए ये तुर्की आ गया, ठीक है, तुर्की, तुर्की की राजधानी कहां पर है? अंकारा है। ये तुर्की के ऊपर ही दोस्तों काला सागर का नाम सुना होगा, ब्लैक सी है, ठीक है, ब्लैक सी। आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब सर कैस्पियन भी उधर पड़ जाएगा, हां कैस्पियन सी, ब्लैक सी और लाइन से फिर अरल सागर है। अरल सागर तो सूख रहा है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ठीक है। तो ये तुर्की हो गया, तुर्की के नीचे सीरिया था, सीरिया की राजधानी क्या थी? दमिस्क था। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिस्क। मैं तो आपसे पहले ही कहा हूं कि मैं तो आपको याद कराऊंगा, और यही नहीं हमारे चैनल पे सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, तो अगर आप एक बार विजिट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर वाकई एक अस्थाई चैनल मिल गया है जहां हम रुक करके अपनी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और हमारा सिलेक्शन भी मिल के ही रहेगा। क्यों? अरे एक्स्ट्रा क्या आएगा आपके परीक्षा में, आप तो सब कुछ पढ़ रहे ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए लेबनान को देख लेते हैं। लेबनान, लेबनान दोस्तों ये वही देश है जो सीरिया के ठीक नीचे था, इजराइल को अलग कर रहा था, इजराइल को छूने से बचा रहा था, ठीक है। तो याद रखेगा, वैसे इजराइल इधर है और इधर गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स के एक तरफ इजराइल, एक तरफ सीरिया है, ठीक है। बहुत लड़ाई चलती है गोलन हाइट्स को लेकर के, ठीक है। अभी यहीं पर इजराइल ने इस गोलन हाइट्स का नाम शायद चेंज करके ट्रंप हाइट रख दिया, क्या रख दिया है? ट्रंप हाइट्स रख दिया है, इसको भी याद रखेगा। लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत है, कहां पर है? बेरूत, याद रहेगा। लेबनान की राजधानी बेरूत है, याद रहेगा, बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान एकदम जो है मेडिटेरियन सी से सटा हुआ है। ये साइप्रस दिख रहा है ना, साइप्रस, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, कहां पर है? अभी ये भी आपके एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये साइप्रस देश है और इसकी राजधानी निकोसिया, याद रखिएगा निकोसिया, ठीक है, निकोसिया। तो ये अभी आगे आएगा आपके सामने। तो ये जॉर्डन, ये निकोसिया, ठीक है, जॉर्डन, सॉरी जॉर्डन कह रहा हूं, जॉर्डन तो नीचे आ जाएगा। देखिए जॉर्डन और लेबनान में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको फिर से एक बार लोकेशन दिखाता हूं। ये लेबनान है, ठीक है, ये सीरिया है। या मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, जहां पे मुझे कंफ्यूजन है वहां पे तो बच्चों का 100% कंफ्यूजन होगा। देखिए लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, इनको एकदम रट लीजिए। ये आपका सीरिया है, सीरिया की राजधानी दमिस्क थी। अगर मैं तुर्की की बात करूं दोस्तों तो तुर्की जो है सीरिया के ऊपर पड़ेगा, इस साइड में तुर्की पड़ेगा, तुर्की की राजधानी, ठीक है, तुर्की, तुर्की यहां पर पड़ेगा, ठीक है, स्थाना याद रखेगा। और लेबनान यहां पर पड़ेगा, लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे इजराइल यहां पर है, राजधानी जेरूसलम है, और जॉर्डन यहां पर है, जॉर्डन यहां पर है। तो जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, आई जे, तो पहले आई फिर जे, आई जे ऊपर नीचे नहीं लिखना, पहले आई लिखना है फिर जे लिखना है। तो इजराइल के बगल में जॉर्डन है, ठीक है, ऊपर देखेंगे सीरिया है, तब तुर्की है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इधर लेबनान है, इधर साइप्रस है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजराइल देख लेते हैं, इजराइल, इजराइल की राजधानी कहां है? जेरूसलम में, देखिए यहां पर है, ठीक है, जेरूसलम। ये थोड़ा सीरिया से जाकर गोलन हाइट्स के पास वही मिलता है, अदरवाइज फिर लेबनान आ जाता है ऊपर, ठीक है, क्या आ जाएगा? लेबनान आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसीलिए आपसे बार-बार कह रहा हूं, अगर इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर वगैरह किया करिए। आप लोग एक बात बताएं, एक चीज सोचो कि अगर आपसे मैं किसी तरह के पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं कि सर अगर आप पैसे नहीं ले रहे हो तो हम आपका सहयोग कितना ज्यादा कर दें? तो ज्यादा सहयोग कैसे होगा? अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा लोग देखेंगे तो यही तो सहयोग होगा।
है कि नहीं? और अगर यही सहयोग होगा तो आप करते क्यों नहीं हो? करिए ना वीडियो को शेयर। अब अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, आप उसकी चीजों को शेयर नहीं करोगे तो बताओ मुझे बुरा नहीं लगेगा? मेरा मन करेगा पढ़ाने का, मेरा मन करेगा काम करने का? क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं, जब बच्चे शेयर करते हैं, जब उनको मजा आता है, जब वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे अंदर और जोश आता है, यार और कुछ करो, इनको और कुछ याद कराओ, इनको इनके लिए कुछ और क्रीम दो, इनके लिए कुछ और बेहतर चीज दो। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप ना जैसे हनुमान जी थे ना, वो भूल जाते थे कि उनके पास कितनी शक्ति है, उनको याद दिलाना पड़ता है, हनुमान जी आप उड़ सकते हैं भाई? अच्छा उड़ सकते हैं? हाँ। अरे आप पूरा पहाड़ लेके उड़ सकते हैं? क्या बात कर दी, इतना जान हमारे अंदर? हाँ उड़िए। तो तब उनको याद आता था, अच्छा बहुत जान है, तो उनको याद दिलाना पड़ता था। तो मैं तो कहता हूं कि आप मेरे अंदर से चीजों को निचोड़िए, ठीक है, और मेरे साथ भी थोड़ा सा व्यवहार करिए, ठीक है, तब जो है अंदर की चीजें और निखर करके आएंगी। चलिए आ जाते नीचे की तरफ, ऊपर का देश पूरा कवर हो गया, अब उधर साइड कुछ नहीं बचा है। इधर देखिए, अगर मैं आ जाऊं ईरान और इराक, ईरान के बाद इराक था ना, इसके नीचे आ जाऊं दोस्तों तो कुवैत देश पड़ता है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, बहुत अमीर देश है कुवैत, बहुत अमीर देश है, ठीक है। कुवैत, कुवैत की सीमा जाके सऊदी अरबिया से लगती है, सऊदी अरबिया बहुत बड़ा देश है। सऊदी अरबिया जान लीजिए इतना बड़ा है ना कि नीचे की तरफ लाल सागर, उस पर की तरफ फारस की खाड़ी है, और इसके बाद जितने भी देश है ना सबकी सीमा को टच करता है सऊदी अरबिया, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। वैसे देश बड़ा है, जनसंख्या बहुत कम है, क्यों? क्योंकि यहां पर मरुस्थल ही मरुस्थल है, बद्दू वाली जनजाति जो है ना यहीं पे तो रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट यहां पर है, याद रखिएगा। ये है इराक आपका, इराक की राजधानी क्या थी? बगदाद थी, उसके नीचे कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। अच्छा ये देखिए पर्शियन गल्फ दे रहा है ना, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, ठीक है। आगे देखिए कुवैत के नीचे आप आओगे ना एक छोटा सा देश है बहरीन, कौन सा देश है? बहरीन। बहरीन की राजधानी कहां पर है दोस्तों? बहरीन की राजधानी मनामा, क्या है? मनामा। मनामा को पनामा मत समझिएगा, पनामा नहर है जो कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, ठीक है। पनामा एक देश का भी नाम है, वहीं उसी देश में पनामा नहर है, ठीक है। वहां पर पनामा की खाड़ी भी है, बहुत कुछ है, जहां पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आकर के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को छू देता है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिए बहरीन है, बहरीन दोस्तों, बहरीन की राजधानी कहां पर है? मनामा, 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 ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिए ये कतर देश है, छोटा सा एकदम, बहरीन के ठीक बगल में कतर है, ठीक है, कतर, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। कतर, कतर की राजधानी कहां है? कतर, कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी कहां पर है? दोहा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए कतर की राजधानी क्या है? दोहा, ठीक है। ये कतर हो गया, इसके ऊपर बहरीन हो गया, बहरीन की राजधानी मनामा हो गई, उसके और ऊपर जहां से फारस की खाड़ी शुरू होती है या कह दो जहां पे अंत होता है, एकदम आखिरी पॉइंट जहां जाके टच करता है इराक को, वहीं पर क्या था? कुवैत सिटी था। क्या था? कुवैत सिटी। कुवैत सिटी किसकी राजधानी? कुवैत की राजधानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अब इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे, बहरीन, कतर और इसी की सीमा को टच करते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का नाम सुना होगा, यूएई का नाम सुना होगा, वो देश है राजधानी अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी राजधानी है, ठीक है, अबू धाबी। यहां पर देखिए अबू धाबी दिख रहा है, दुबई देश सुना होगा, दुबई यहीं पे है दोस्तों, दुबई देश है, ठीक है, दुबई। सिंगापुर कहां था? सिंगापुर सर अलग देश है, मलेशिया के पास में पड़ता है, उसी के बगल में मलक्का जनसंधि है, उसी के नीचे सुमात्रा है, बगल में जावा है, जावा पे जकार्ता है, ये सब इंडोनेशिया द्वीप समूह में आते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अरे भैया बस करो मेरे भाई, कितना बोलोगे, सब याद करा दोगे क्या? सर आप ही तो बोलें फटाक से, तो इतना याद होना चाहिए ना, पूरा मैप एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, कुछ भी पूछे कहीं से आदमी, सब कुछ आप बता ले जाओ, इतना अच्छे से आप पढ़ाई करो, ठीक है। अबू धाबी, अब देखिए अबू धाबी से आप बढ़ेंगे तो यूएई से, देखिए एकदम सटा हुआ देश, एक बार इसको जूम करता हूं और यहां पे दिखाता हूं, क्योंकि कलरफुल नहीं है ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखिए ये दोस्तों जो देश दिख रहा है ना, ये मैंने आपको अभी क्या पढ़ा है? बहरीन देश है, बहरीन। बहरीन की राजधानी कहां पर है बताइए? मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा, यहां पे लिख लीजिए बहरीन है, ठीक है। राजधानी क्या है? मनामा। ये क्या पढ़ा है मैंने? ये पढ़ा है मैंने सर कतर, ये कतर है। कतर की राजधानी कहां पर है? दोहा है। ये मैंने क्या आपको बताया? ये पढ़ाया यूएई, और यहां पर पढ़ाया क्या पढ़ाया बताइए जल्दी? दुबई पढ़ाया, ठीक है, याद रखिएगा। ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, और इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी, ठीक है। भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध है इस देश के, ठीक है, और इसी की सीमा को टच करता है ओमान देश, ठीक है। ओमान पहले है, यमन नीचे है, तो वाई हमेशा लास्ट में आता है, तो वाई याद रखेगा लास्ट में, पहले यमन ओमान मत करिएगा, पहले ओमान करेगा फिर यमन करेगा, ठीक है। ओमान और यमन, ओमान की राजधानी मस्कट है, यहां कोने पर है, ठीक है, मस्कट। यहीं पर गल्फ ऑफ ओमान भी है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है ना ऐसे, तो ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, इधर पार्शियन गल्फ हो गया, इधर गल्फ ऑफ ओमान हो गया। यहां पे दोस्तों इतने चोर डाकू रहते हैं कि
जान लो भारत की नौसेना को जब भी उसका माल जाता है ना तो नौसेना भी साथ में भेजी जाती है, ठीक है। ये चोर डाकुओं का बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो ओमान, ओमान की राजधानी कहां पर है? मस्कट, याद रखेगा। और यहां पर स्कोट्रा एक छोटा सा द्वीप है, ये भी इसी कंट्री में आता है। और फिर आपका अरब सागर आ गया, वो जो पश्चिमी भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर है ना, वो आ गया, ठीक है। ओमान, यमन, यमन में क्या था दोस्तों, ओमान की राजधानी तो मस्कट हो गया, ठीक है। और यमन की क्या है? सना, सना, सना तेरी याद में हो जाऊं फना, ठीक है। तो सना याद रखेगा। एमन, एमन की राजधानी कहां पर है? सना, ठीक है। एमन सना, तो एमन से याद रखे, एमन, एमन मतलब एक आदमी सना से क्या करता है, प्यार करता है, तो एमन सना याद रखेगा। और ओमान का मस्कट याद रखेगा, ओमान, ओमान मस्कट, ठीक है, मस्कट याद रखेगा, मस्कट, ठीक है। ये हो गया। अदन की खाड़ी का नाम सुना होगा, नीचे अदन है, गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी है। नीचे की साइड में दोस्तों ये अफ्रीकन कंट्री आ गया, जैसे सोमालिया है, अफ्रीका का है, ठीक है, जिबूती है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, इधर मिस्र आ जाएगा, वो सब जो है अफ्रीका कंट्री के देश हैं, उसको छोड़ दीजिए। यहां पर लाल सागर है, और यमन के ठीक ऊपर सऊदी अरबिया देश है। कौन सा देश है? सऊदी अरबिया देश है। देखिए ये पूरा सऊदी अरबिया पड़ गया, तो सऊदी अरबिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। क्या है? सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। मैं चाहूंगा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, यह सऊदी अरबिया है। नीचे देखिए एमन है, और एमन, एमन, एमन किससे प्यार हो गया था? सना से, याद रखेगा, ठीक है। सना रोबोट तो देखा होगा, यानी उस मैन को, उस रोबोट वाले आदमी को सना से प्यार हो जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा। ओमान का क्या था? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। सब याद दिला रहा हूं आपको, अब मत कहिएगा सर याद नहीं है। ये नीचे लाल सागर है, रेड सी दिख रहा है, ये आपका गल्फ ऑफ पार्सियन है, ठीक है, यानी फारस की खाड़ी है। ये आपका यूएई है, यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ जाएगा? कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है। यही छोटा सा देश है बहरीन। कौन सा देश है? बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है बताइए? मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा है। यहाँ पर एक छोटा सा देश कुवैत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। यहाँ पे ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ऊपर साइड है, ठीक है। ये इराक है। इराक की राजधानी बगदाद है। क्या है? बगदाद है। बगदाद है, ठीक है। ये आपका जॉर्डन है। जॉर्डन, ठीक है, याद रखे जॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन मैंने आपको पढ़ाया था, पहले आई फिर जे, जे से जॉर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो आई वाला यहाँ पे, ये इजराइल है, ये जॉर्डन है। इसके ऊपर चले जाएंगे तो इजराइल वाली सीमा जाकर किसको टच करती है? सीरिया को टच करती है, दमिश्क सीरिया। और इसके बगल में देखेंगे तो क्या पड़ जाएगा बताइए, बताइए जल्दी से। उसके ऊपर लेबनान पड़ जाएगा, बेरूत। उसके आगे चले जाएंगे तो साइप्रस आ जाएगा, निकोशिया। तो ये सब कौन याद करेगा? आप याद करेंगे, और कौन याद करेगा? कोई दूसरा थोड़े आएगा याद करने के लिए। अब अगर इतना पढ़ाने के बाद भी चीजें आपको नहीं याद हो पाई तो बताओ आपके साथ क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जा सकता, फिर पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। चलिए यहां बताइए जल्दी से, साइप्रस देश दिख रहा है, ये पूरी तरह से मेडिटेरियन सी में आता है, एशिया का हिस्सा है। निकोशिया इसकी राजधानी, कहां पर है? निकोशिया दिख रहा है, निकोशिया इसकी राजधानी है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। चलिए दो चार क्वेश्चन करता हूं, आपको जरा बताना है, क्योंकि अब हम लोग पूरे एशिया के मैप को पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई डाउट होना चाहिए। क्यों, कोई डाउट हो गया बताइए? कोई डाउट है तो बताइए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कमेंट करिए फटाफट। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अल्माटा है। कजाकिस्तान की क्या है? अल्माटा है, ठीक है। बताइए बियंतियान किसकी राजधानी है? बियंतियान किसकी राजधानी? उल्टा पूछ रहा हूं, उल्टा सीधा हर तरीके से पूछूंगा। बियंतियान किसकी राजधानी है? सर बियंतियान राजधानी है लावोस की। किसकी है? लावोस की राजधानी। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी सर मनीला है। अच्छा चलो एक कठिन क्वेश्चन पूछता हूं, फिलीपींस और मलेशिया या इंडोनेशिया के बीच में कौन सा सागर है? सर मेरी सुलु, मेरी सुलु कल पढ़ाया था ना, मेरी सुलु, तो याद रखे सुलु सागर है सर वहां पे, ठीक है। मलक्का जल संधि का लोकेशन बताइए जल्दी से। मलक्का जल संधि, सर मलक्का जल संधि अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है, मलेशिया के पास में पड़ता है, या कह लो सिंगापुर के ठीक नीचे पड़ता है, मलेशिया जल संधि, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी बताइए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है सर। जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। अच्छा दक्षिण कोरिया की राजधानी बताइए, दक्षिण कोरिया की राजधानी था सियोल है। ऐसे तो पूछते हैं, एकदम रोबोट हो जाइए फटाफट कहीं से कुछ भी। सर भारत के ऊपर जो तजाकिस्तान दिखता है, भारत के ठीक ऊपर साइड में जाएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर, तो तजाकिस्तान दिखेगा, उसकी राजधानी बताइए। सर तजाकिस से ताज, ताज से बॉम्बे, बॉम्बे से दुशांबे, याद रखेंगे, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी बताइए, सर बिश्केक राजधानी है। चलिए बताइए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी कहां पर? ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है? सर उज़्बेको की है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। अच्छा आपको बड़ा याद हो गया है। उलन बटोर किसकी राजधानी है? उलन बटोर
ठीक है, पूरे दुनिया को बटोरने कौन निकला था, मंगोल निकले थे, मंगोल। तो उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है, किसकी है, मंगोलिया। रूस की राजधानी क्या है सर, मास्को, चीन की बीजिंग है। तो आसान आसान आप पूछ रहे हो सर, जापान का पूछ दीजिए ना, बता पता हमको बता दोगे टोक्यो राजधानी है, और कठिन पूछूंगा नहीं बता पाओगे, ठीक है। और कठिन पूछूं, चलो आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है सर, अरे सब बता दे रहा। कंबोडिया की राजधानी बताना चाहते हो, कंबोडिया, फंस गए मेरे भाई, कंबोडिया की राजधानी में फंस गए। बताइए किसको किसको याद है, जल्दी बताइए कंबोडिया की राजधानी कहां पर है, किसे किसे याद है कंबोडिया, कमेंट करिए फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए कंबोडिया की राजधानी कहां पर है, नामपेन, कहां पर है, नामपेन सर, आप तो बता दिए। चलिए भूटान का बताइए, थिम्पू है सर, नेपाल का काठमांडू है सर। अच्छा आप मुझे बताइए निकोसिया किसकी राजधानी थी, निकोसिया अभी अभी सर आपने लास्ट में पढ़ा है, निकोसिया बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मेडिटेरियन सी में पड़ता है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। अच्छा चलो हमको बताओ मनामा किसकी राजधानी है, मनामा किसकी राजधानी है सर, बहरीन की है, ठीक है, रीन साहब, बहरीन की राजधानी मनामा है, याद रखेगा। अच्छा बताइए हमको सना किसकी राजधानी है, सना, ठीक है, तेरी याद में हो जाऊं फना, यमन, यमन की राजधानी क्या है, सना है। अच्छा मस्कट किसकी राजधानी थी सर, ओमान की राजधानी थी। सऊदी अरबिया की राजधानी क्या है, रियाद है सर। कुवैत सिटी किसकी राजधानी, कुवैत की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या है सर, जेरूसलम है। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। सब बता दे रहे हो यार, इतना तेज हो गए हो तुम। चलो बताओ सीरिया की राजधानी क्या है सर, दमिश्क है। कुछ अच्छा पूछिए सर, कुछ अच्छा जो अंदर से निकले, कुछ बचा ही नहीं तो पूछूं क्या, पता हो गया आपको, याद हो गया। स्टडी 91 से जुड़े रहेंगे ना तो ऐसे ही चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आज का वीडियो सीरीज यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। और अभी धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा अगर लगातार आपको सभी देशों के बारे में बताने लगूंगा ना तो बहुत सारे देश हो जाएंगे, इस वजह से अब यहां पे टॉपिक चेंज करूंगा। एशिया कॉन्टिनेंट आपने कवर कर लिया ना, तो अभी एक दो दिन और कुछ लेक्चर देता हूं आपको, उसके बाद आपको फिर से मैं किसी नए पे लेके चलूंगा। पहले यूरोप कवर कर लेते हैं ना, एशिया से सटा हुआ यूरोप, तो यूरोप वाला देख लिया जाए, यूरोप समझ में आ जाता है। फिर हम लोग धीरे से ऑस्ट्रेलिया वाला कवर कर लेंगे, छोटा है ऑस्ट्रेलिया, बहुत छोटा है, ठीक है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एक दिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कवर कर लेंगे। अफ्रीका सबसे लास्ट में किया जाएगा, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, तो कहीं आपको याद होगा कहीं नहीं याद होगा, ऐसे कैसे नहीं याद होगा, सब याद कराऊंगा आपको, एक एक चीज आपको याद होगा। ये शब्द बोलना मत कि नहीं याद होगा, सब याद होगा। जब इतना बड़ा एशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन, एशिया महाद्वीप, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका, एशिया महाद्वीप का, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी, एशिया महाद्वीप की। जब आपने एशिया महाद्वीप के 50 देशों को पढ़ लिया चुटकी बजाते हुए, तो अफ्रीका किस खेत की मूली भाई, उसको भी पढ़ लेंगे। ये मत कहना नहीं याद होगा, बहुत ज्यादा है, ज्यादा वादा कुछ नहीं है, एक एक चीजें आराम से पढ़ा जाएगा विदाउट ट्रिक, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा होगी तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं इच्छा होगी तो भी कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।